दिल्ली के कुतुब मीनार के पास 1600 साल से भी अधिक पुराना एक ऐसा विशाल पिलर है जिसे आयरन पिलर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 24 फीट लंबे और 6000 किलो से भी अधिक वजन के आयरन पिलर का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किया था। इतने साल धूल मिट्टी और बारिश के बाद भी ये पिलर आज तक रस्ट फ्री है, मतलब इस लोहे के स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगी। साइंटिस्ट ने पाया कि इसके ऊपर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनी मिसावाइट के पतली प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से यह पिलर रस्ट फ्री हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये पिलर गर्म लोहे के 20-30 किलो के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन इस पिलर में एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। दुनिया भर में माना जाता है कि फॉस्फरस की खोज 1669 में हेनिंग ब्रांड ने की थी, मगर ये पिलर तो 1600 वर्ष से अधिक पुराना है और इसके अंदर 98% लोहा, 1% फॉस्फरस और 1% अलग धातुओं की मात्रा है। मतलब ये हुआ कि पुरातन काल में भारत में धातु विज्ञान का ज्ञान उच्च कोटि का था। इसके बारे में आपको क्या लगता है वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।